गाइज इस प्रॉब्लम को देखिएगा, प्रॉब्लम नंबर 16। थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूँ, आप इसके सॉल्यूशन पे ना जाएं, मैं जो समझाऊंगा आप उसको समझने की कोशिश करना। क्वेश्चन में आपसे बोल रहा है, कैन अ वेक्टर बी मल्टीप्लाइड बाय बोथ डायमेंशनल एंड नॉन डायमेंशनल स्केलर्स। हमसे कह रहा है क्या किसी वेक्टर क्वांटिटी को डायमेंशनल और नॉन डायमेंशनल स्केलर से मल्टीप्लाई कर सकते हो? तो जवाब है यस, आप डायमेंशनल और नॉन डायमेंशनल दोनों तरह के स्केलर से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब मल्टीप्लाई करने से होगा क्या, देखो मैं आपको समझाता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे पास एक वेक्टर है और ये वेक्टर 3i है, यस और नो? आप कह दोगे ठीक है एक वेक्टर है। अब मैं इसको कह रहा हूँ कि नॉन डायमेंशनल स्केलर से मल्टीप्लाई करो इसकी। जब आप इसकी नॉन डायमेंशनल स्केलर से मल्टीप्लाई करोगे तो लेट अस सपोज मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो जाएगा 3a वेक्टर, तो ये हो जाएगा 9i वेक्टर। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मैं नॉन डायमेंशनल स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो क्या ये बदल रहा है? तो मैं ये कहूँगा कि कहीं ना कहीं इसका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, बट जो ये फिजिकल क्वांटिटी है ना, ये फिजिकल क्वांटिटी वही रहेगी जो है। मैंने इसको अगर ये कह दिया कि ये 3i न्यूटन है तो ये न्यूटन में ही रहेगा, फिजिकल क्वांटिटी इस पर फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मैग्नीट्यूड भले ही चेंज हो जाए लेकिन रहेगा ये न्यूटन ही, फोर्स रहेगा। बात सही है। अब ये तो आपने नॉन डायमेंशनल स्केलर से मल्टीप्लाई कर दिया इसको, अब मैं अगर डायमेंशनल स्केलर के साथ मल्टीप्लाई कर दूँ तब क्या होगा? तो मैं ये कह रहा हूँ लेट अस सपोज कि मेरे पास एक वेक्टर है और ये वेक्टर मेरे पास फोर्स है, ठीक है, फोर्स की आपने मल्टीप्लाई करने, फोर्स मान लेते हैं ये मेरे पास फोर्स जो है ये 2i है न्यूटन, ठीक है। अगर मैं इसका स्केलर फॉर्मेट में दिखाऊंगा तो F इज इक्वल टू हो जाएगा सिर्फ 2i न्यूटन। i कैप जो है ये डायरेक्शन है, तो इसका स्केलर फॉर्मेट अगर दिखाओगे तो एक काम करो यूनिट वेक्टर मत लगाओ, सिर्फ 2 न्यूटन का है। फोर्स कितना लग रहा है? 2 न्यूटन का। अगर इस फोर्स की मैं मल्टीप्लाई किसी डायमेंशनल स्केलर के साथ कर दूं, मान लेते हैं कि मैंने यहाँ पर कर दिया डिस्टेंस के साथ मल्टीप्लाई, तो फोर्स के डिस्टेंस के साथ अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो आप मुझे बताएं, जब फोर्स के डिस्टेंस के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये क्या मिलता है? तो जब भी आप फोर्स के डिस्टेंस के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो जो हमेशा यूनिट मिलेगा वो एनर्जी का मिलेगा। किसका मिलेगा? एनर्जी का। तो आप डायमेंशनल और नॉन डायमेंशनल दोनों तरह के स्केलर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बट अगर आप डायमेंशनल स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे इन द सेंस अगर आप आर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो फिजिकल क्वांटिटी है ना वो चेंज हो जाएगी। अब यहां पर फिजिकल क्वांटिटी फोर्स नहीं रहेगा, ये एनर्जी का निकल कर आ जाएगा। और अगर आप नॉन डायमेंशनल स्केलर के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो फिजिकल क्वांटिटी किसी तरह की चेंज नहीं होगी, बस उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा। दैट इज द पॉइंट, इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान देना इसको। चलो अगले प्रॉब्लम में बात करता हूं आपसे।